हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो है लेटेस्ट वैकेंसी निकाली गई है 2024-25 के लिए। अभी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, इसमें सब स्टाफ की वैकेंसी है। इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी कि ये पोस्ट क्या है। तो सबसे पहले बता दें, पोस्ट नेम की बात करें तो सब स्टाफ की वैकेंसी है, और इसमें अगर सैलरी की बात करें तो आपका पे स्केल बेसिक पे 14,500 है, जो कि 4 साल बाद जो है आपका 16,500 हो जाएगा, फिर 19,000, और फिर जो है 4 साल बाद 22,000। हालांकि ये बेसिक पे है, इसके अलावा आपको जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डीएनएस अलाउंस मिलेगा और भी कई सारे अलाउंस मिलेगी। तो आपकी सैलरी जो है स्टार्टिंग में 22,000 के करीब में होगी। इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले आपको इंडियन होना चाहिए और एज जो है आप 18 से 26 साल के बीच में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, और अगर आप SC ST कैटेगरी में है तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 31 साल तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो आप लोग 29 साल तक, यानी कि 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आप 29 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिसेबल्ड पर्सन है तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको जो है 10th पास होना चाहिए, मिनिमम 10th पास है तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और 10th में जो है आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए तो आपको जो प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन में तो इसमें आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो कि IBPS द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, जैसे कि अगर आप यूपी के और तमिलनाडु स्टेट में अप्लाई करते हैं तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन अगर यूपी में अप्लाई करते हैं तो यहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये इसके लिए लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। जो आपका रिटन एग्जाम है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस आपकी 20 नंबर की पूछी जाएगी, एलिमेंट्री अर्थमेटिक 20 नंबर, और साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी कि रीजनिंग जो है आपकी 20 नंबर की पूछी जाएगी। उसके बाद जो है आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा जो कि 30 नंबर का होगा, और इसके लिए 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। रिटन एग्जाम आपका 90 मिनट होगा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में आपसे बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अवार्ड्स तथा ऑनर्स और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद अगर बात करें रीजनिंग की तो इसमें कोडिंग, डिकोडिंग सीरीज, ब्लड रिलेशन, सिलोजिस्टिक, सिलोजियम तथा एनालॉजिस के बारे में पूछा जाएगा, डेटा सफिशिएंसी पूछी जाएगी। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें आपसे जो है डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर सिस्टम, एरिया एंड वॉल्यूम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके अलावा जो है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इसकी PDF डाउनलोड कर लें सिलेबस की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, फॉर्म फिल करने का भी लिंक मैंने दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।